हम लोग बेटियों को कमजोर समझ लेते हैं। एक ऐसी भी घटना हुई, सीमा पर जब जवान शहीद हुआ, घर में केवल कोई बेटा नहीं है, अकेली बेटी है। के शर्मा जी, मानी शर्मा जी, एक गीत मैं विशेष करके इसलिए रख रहा हूं कि अच्छे लोग हैं तो शायद आपको अच्छा लग जाए। गाने वाले गा रहे हैं, चला भैया जाने वाले तेरी याद सताए, यादों का घरों दा कहीं टूटे ओ, आजा जाने वाले तेरी याद सताए, यादों का घरों दा कहीं टूटे से तिरंगा, कह दो यहाँ हर कोई हिंदुस्तानी, यहाँ हर कोई हिंदुस्तानी है, यहाँ हर कोई हिंदुस्तानी है, यहाँ हर कोई हिंदुस्तानी है। जिस समय तिरंगे में लिपटी हुई वो अंतिम यात्रा चल करके आ रही है, जय 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 हो जय हो। अरे वाह, बहुत सुंदर। ये हमारे उस्ताद लोग हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आदरणीय राजू बाबरा जी जिन्हें आप लोग सुनते हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजा करके आप लोग अभिनंदन करने, जोरदार तालियां बजा करके। और मैं चाहूंगा बड़े भैया स्थान ग्रहण करें। आजा जाने वाले तेरी याद सताए, निवेदन कर रहा हूं। एक एक पंक्ति आप ध्यान से सुनेंगे। जिस समय तिरंगे में लिपटी हुई वो अंतिम यात्रा आ रही है, घर पे मातम का माहौल है, बड़े बुजुर्ग बैठ करके मंत्रणा कर रहे हैं कि अंतिम संस्कार कौन करेगा, बेटी है बेटा नहीं है। तो वो बेटी सामने आई, ये सच्ची घटना है, कोई काल्पनिक नहीं। वो बेटी सामने आई और आंखों में आंसू लिए बोली कि आप इस चीज की चिंता मत करो। राजू बाबरा जी कृपया मंच पे आ जाएं अपने साथियों के साथ। राजू बाबरा जी कृपया मंच पे आ जाएं। वो शहीद की पत्नी जब गांव वालों की आंखों में आंसू देखे, गौरव भैया
मैं चाहूंगा गीत आप ध्यान से सुने। जब गांव वालों की आंखों में आंसू देखे तो वो शहीद की पत्नी कह रही है, अरे गांव वालों, रो रो करके मेरे पिया की शहादत का अपमान मत करो। कौन कह रहा है कि मेरे पिया चले गए? मेरे पिया ने तो इस देश के लिए अपनी जान देकर के मेरा नाम भी इतिहास में लिखवा दिया। मैं भी आज अमर हो गई, मैं भी कह सकती हूँ गर्व से मैं एक शहीद की पत्नी हूँ। मुझे गम इस बात का नहीं है कि मेरे पिया गए। गम इस बात का है कि अरे ऊपर वाले, तूने मुझे केवल एक बेटी दी। अगर तू मुझे बेटे देता, एक नहीं, दो नहीं, चार भी बेटे देता, तो उन बेटों को भी मैं हंस करके देश के लिए कुर्बान कर देती। उनकी कुर्बानी का मुझे कोई गम नहीं होता। वो माँ को समझा रही है, बेटी त्याग वाले दुर्ग हैं, कितने बुजुर्ग हैं, बांध करके सौर्य वाला स्वापा चले आ रहे, बांध करके सौर्य वाला स्वापा चले आ रहे, बांध करके सौर्य वाला स्वापा चले आ रहे। त्याग वाला दुर्ग हैं, कितने बुजुर्ग हैं, भूल करके अपना बुढ़ापा चले आ रहे, भूल करके अपना बुढ़ापा चले आ रहे। कहते ये शान है जो हुआ कुर्बान है, करके सौर्य वाला स्वापा चले आ रहे, बांध करके सौर्य वाला स्वापा चले आ रहे, बांध करके सौर्य वाला स्वापा चले आ रहे। देशभक्त जोश में, भीड़ आगोश में, देशभक्त खोते हुए आपा चले आ रहे, देशभक्त खोते हुए आपा चले आ रहे, देशभक्त खोते हुए आपा चले आ रहे, देशभक्त खोते हुए आपा चले आ रहे। अब ये पंक्ति अपने लिए नहीं कहूंगा, ये लाइन उस शहीद के लिए आ रही है। इस पांडाल में लगना चाहिए कि हम हिंदुस्तान के शहीदों के लिए दिल में सम्मान रखते हैं। पूरे पांडाल में तालियां चाहूंगा। बांध करके सौर्य वाला स्वापा चले आ रहे, वो बेटी कह रही है अपनी माँ से, अरे पढ़ इनके लेख ले मम्मी जरा देख ले, अरे पढ़ इनके लेख ले मम्मी जरा देख ले, तिरंगे में लिपटे हुए पापा चले आ रहे, तिरंगे में लिपटे हुए पापा चले आ रहे, तिरंगे में लिपटे हुए पापा चले आ रहे। धनौली आगरा, डॉक्टर संजीव शर्मा, तारा सिंह पत्रकार रामबाबू जी, ये आशीर्वाद दिया है। केवल घर की चौखट तक नहीं, और मैं तो उस शमशान तक जाऊंगी, पर बेटे का फर्ज निभाऊंगी, बेटे का फर्ज निभाऊंगी, बेटे का फर्ज निभाऊंगी। 101 रुपए आदरणीय डॉक्टर साहब की ओर से हैं। तब कहना है धन्य हो गए जो ओढ़ के तिरंगा सो गए, कैसे रोक पाए भारत माता, अपने आंसू कैसे रोक पाए, बाप की भारत माता अपने आंसू कैसे रोक पाए, बाप की अर्थी को जब बेटी आंधा लगाए, भारत माता अपने आंसू कैसे रोक पाए, आपकी अर्थी को जब बेटी लगाए, भारत माता अपने आंसू कैसे रोक पाए, आपकी अर्थी को जब बेटी लगाए। अरे धन्य है ऐसी लाडली ये संग
है तो ये हिंदुस्तान सोना जाए इन्हें मैं जगा लूं ओ अरे मान सोना जाए इन्हें मैं जगा लूं। और बहन क्रांति माला जी ये लाइन लिखते हुए मैं बिल्कुल वास्तविकता बता रहा हूं कि आंसू आंखों में आ गए। वो बेटी की लाइन अरे मान सोना जाए इन्हें मैं जगा लूं बनता है हमेशा भाई को देना चाहिए लेकिन ये एक प्यार है बहन का जो एक भाई को मिला है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजा करके आप लोग जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें। जय जय। एक बात कभी कभी ऐसा लगता है बड़ी छोटी मानसिकता के लोग रहे हैं दुनिया में। अभी हमारे आपके जो हमारे पापा जी आपने बना दिए थे जो, जो, जो। वो कह रहे थे कि बहन है बस राखी नहीं बांधी है। अरे राखी बांधने से ही बहन नहीं होती। जो, जो, जो। भाव सबसे बड़ी चीज है। ये वो हिंदुस्तान है जहाँ अगर कोई हिंदू की बेटी किसी मुस्लिम भाई के हाथ में एक कच्चा धागा बांधे तो वो सच्चा मुसलमान होता है, तो अपनी जान दे करके उस राखी की कीमत चुकाता है। ये वो हिंदुस्तान है। खोलो मम्मी ये नैना खोलते नहीं है ओ, देखो ये मम्मी नैना खोलते नहीं है। उसे दुख इस बात का है। देख लो मम्मी ये नैना खोलते नहीं है, बेटी बेटी कह के पापा बोलते नहीं है, गम को तोलते नहीं है। सबके दिल में यही ख्याल आए ऐसी बेटी जो बेटे का फर्ज निभाए, भारत माता अपने आंसू कैसे रोक पाए, बाप की अर्थी को जब बेटी सीमा है। आखिरी बंदे मेरी ओर से अंत में कह रही है वो बेटी, ना झुकने दूं तिरंगा ना झुकने दूं तिरंगा। और मैं देखिए पिता का फर्ज निभाते हुए हमारे आदरणीय पिता तुल्य हैं। मैं चाहूंगा आप लोग तालियां बजा करके अभिनंदन करें, जोरदार तालियां। तालियों में कमीना है। जय हो। मेरे लिए बड़े अमूल्य पुरस्कार ऐसे महान लोगों के द्वारा मिल रहे हैं। ना झुकने तू तिरंगा और मैं ये सर ना झुकाऊंगी, ओ तिरंगा ना झुकने दूंगी सर ना झुकाऊंगी,
सीमा पर वो फौजी अंतिम सांसें गिन रहा है, तो साथी फौजी पूछ रहा है, भाई कोई अंतिम तमन्ना हो तो मुझे बताओ। हंस करके वो कहता है, धोखे से हमला करने को दुश्मन की टोली आई है, दुश्मन की टोली आई है, पर मुझे गर्व है ना घुसने दिए मैंने सीमा में सीने पे गोली आई है, सीने पे गोली आई है, सीने पे गोली आई है, सीने पे गोली आई है। अब आखिरी तमन्ना इतनी है, दुश्मन की गोली सीने में मेरा लूट जहान चली जाए, इससे पहले इन होठों पे आई मुस्कान चली जाए। और हे फौजी भाई तू उठा तिरंगा हाथों में, ना इसकी शान चली जाए, और मैं कर लू नमन तिरंगे को फिर बेशक जान चली जाए, फिर बेशक जान चली जाए, फिर बेशक जान चली जाए। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमने हिंदुस्तान में जन्म लिया है। जय हो, जय हो। आदरणीय गुरु बाबरा जी, पा लिया है अगर देशभक्ति यतन, इसे पाकर न खोने को जी चाहता है, इतना सुंदर है मेरा ये भारत वतन, इस पे कुर्बान होने को जी चाहता है। मेरा देश की माटी है जैसे रतन, तो इसकी गोदी में सोने को जी चाहता है, और इतना सुंदर है मेरा ये भारत वतन, इस पे कुर्बान होने को जी चाहता। इसी कामना के साथ अंतिम लाइन मेरे चक्र की, न झुकने तू तिरंगा सर ना झुकाऊंगी, सुमन चढ़ाए। ये अरे ऐसी बेटी खुद ना रोए सबको रुलाए, ऐसी बिटिया जो बेटे का फर्ज निभाए, बाप की अर्थी को जब बेटी लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद।